अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी मरियम आपा और मैं हाजिर हूँ इल्म का आंकन की एक नई और दिलचस्प किस्त के साथ। हमेशा की तरह जल्दी से हम आप सबकी भेजी हुई कुछ ड्राइंग्स में से चुनी हुई ड्राइंग्स टीवी पर देख लेते हैं और आप बच्चों को होमवर्क की शाबाशी भी दे देते हैं। चलिए, होमवर्क करके जिन बच्चों ने हमें अपने नाम भिजवाए हैं उनमें से कुछ बच्चों के नाम हैं: इस्लामाबाद से अनाया नदीम, चश्मा मियांवाला से अक्सा अजमल, गुजरांवाला से आयशा फातमा, लाहौर से ईमान फातमा, मियांवाला से फरहतुल्ला, बहावलपुर से हफ्सा फातमा, मर्दान से मोहम्मद रियाज, सियालकोट से उमर शहजाद, इस्लामाबाद से सालिहा नूर, खानका से राजिया मियांवाला से सिद्रा और मियांवाला से जैनुल आबिदीन। शाबाश बच्चों। इस हफ्ते जिन बच्चों ने हमें तीन इस्म यानी नाउंस की ड्राइंग्स बनाकर भेजी हैं उनमें से कुछ बच्चों के नाम हैं: मर्दान से वरीशा, लाहौर से इब्राहिम बेग, सियालकोट से फातिमा शहजाद, अहमद मुज्तबा, गुजरांवाला से हूरिया, हासिलपुर से फिजा शाहिद, स्कर्दू से नूरिया बतूल और हूरिया आमना। शाबाश बच्चों, आपने होमवर्क बिल्कुल ठीक किया है। अब बारी है चुस्त रहो की, जिसमें हम कुछ देर वर्जिश करेंगे। तो चलिए खड़े हो जाइए और शुरू हो जाइए। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं और खुशबाश हैं और आज की वर्जिश के लिए तैयार हैं। तो चले उठ के खड़े हो जाएं, अपने सब घर वालों को इकट्ठा करें। मेरा नाम है मरियम और आज मैं आपको बहुत मजे की वर्जिश करवाने जा रही हूँ। तो हम अपना टाइमर करते हैं शुरू और पहली वर्जिश की तरफ आते हैं। हमने क्या करना है, हमने एक जगह खड़े होके भुतकना है और जब मैं कहूंगी गो तो आपने छलांग मारनी है। शुरू करें, चलें अपनी जगह खड़े होके हमने भुतकना है। 1 2 3 जंप। गो कहना था मैंने। 1 2 3 गो। चलें बहुत खूब। 1 2 3 गो। भुतकना, भुतकते रहना है आपने जब तक मैं नहीं कहूंगी 1 2 3 गो। बहुत खूब। 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। बहुत खूब। अब हम आते हैं अगली वर्जिश की तरफ। पांव इकट्ठा करें और सिर्फ एक टांग को आपने उठाना है और एक टांग को अपनी जगह पे रखना है। इस तरह से एक टांग उठानी है और वापस नीचे। इससे आपका बैलेंस का टेस्ट हो रहा है। बैलेंस का मतलब आप एक टांग पे खड़े हो सकते हैं कि नहीं खड़े हो सकते। सो गिरे बगैर आपने कोशिश करनी है। जितनी टांग आप ऊपर उठा सकते हैं उतना अच्छा है। अपने आप को टेस्ट करें कितने बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं इसको। बहुत खूब। अब हम आते हैं अगली एक्सरसाइज पर, जिसका नाम है क्रैब एक्सरसाइज, मतलब हमने केकड़ा बनना है। तो हाथ ऐसे रखें और आपने क्या करना है, अंदर की तरफ सांस लें और बाहर की तरफ सांस लेते हुए हाथ को पांव की तरफ लेके जाएं। अंदर की तरफ सांस लें और सांस बाहर निकालते हुए हाथ को आपने पांव की तरफ लेके जाना है। दाएं हाथ को बाएं पांव की तरफ, फिर बाएं हाथ को दाएं पांव की तरफ। इस तरह से बहुत खूब। बहुत अच्छी तरह आपने अपने आप को बैलेंस करना है और इस तरह से वर्जिश करनी है। चले हम खड़े हो जाते हैं, राउंड टू करते हैं। राउंड टू में आपको पता है ज्यादा जज्बा,
ज्यादा जोश। खड़े होके आपने भदकना है और जब मैं कहूंगी जंप, आपने करना है जंप। 1 2 3 जंप, 1 2 3 जंप। चले इसी तरह भदकते जाएं। 1 2 3 जंप, बहुत खूब। 1 2 3 जंप, 1 2 3 जंप, थोड़ा सा और। 1 2 3 जंप, बहुत खूब। अगली एक्सरसाइज, अब हम इस टांग को उठाएंगे और इस पैर पे हमने बैलेंस करना है। शुरू करते हैं। अप, ऊपर और नीचे। क्या आपको सांस चढ़ा हुआ है? मुझे तो बहुत ज्यादा सांस चढ़ा हुआ है। जब हम जंप करते हैं तो हमारा हार्ट रेट ऊपर जाता है। बहुत खूब। इसी तरह अपनी एड़ी को उठाते जाएं और इस पांव पे अपने आप को बैलेंस करते जाएं। गुड। याद रखें, अंदर की तरफ सांस, फिर बाहर की तरफ। चले वापस नीचे आते हैं आखिरी दफा और इसके बाद हम करेंगे स्ट्रेचेस। तो चले केकड़े वाली एक्सरसाइज पर आते हैं। अपने आप को केकड़ा बनाते हैं। अंदर की तरफ सांस लें और हाथ को पांव की तरफ लेके जाएं। अंदर की तरफ सांस और सांस बाहर निकालते हुए आपने दाएं हाथ को बाईं तरफ लेके जाना है। बहुत खूब। किसी ने कभी केकड़ा असल में देखा है? इसी तरह चलता है ना केकड़ा? गुड। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, आराम आराम से। और अब हम आते हैं अपने स्ट्रेच की तरफ। तो चले उठ के खड़े हो जाए। आपने क्या करना है, अपने आप को इस तरफ मोड़ना है और आपने अपनी टांग को पकड़ना है। एक तरफ आपने रहना है और अपनी कमर को आगे रखना है। अपने पेट को हमने अंदर खींच के लेके जाना है और फिर हमने सांस लेनी है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। बहुत खूब। इसी तरह रहें जितनी देर तक आप रह सकते हैं और जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं आपने इसमें से हिलना नहीं। गुड। चले खड़े हो जाएं। अब हम यही एक्सरसाइज करेंगे इस तरफ। तैयार हो जाएं और हाथों को ले जाएं इस टांग की तरफ और अपनी टांग को स्ट्रेच करें। नाक से अंदर सांस लेना है और मुंह से बाहर की तरफ। नाक से अंदर और मुंह से बाहर। इससे आपके फेफड़ों की सेहत अच्छी रहती है और अगर आप उससे आपकी अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी। अच्छी तरह आपने खींच के सांस अंदर लेना है और बाहर। आज के वर्जिश हमारी हुई मुकम्मल। तालियां। बहुत खूब प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज की वर्जिश के बाद बहुत ज्यादा चुस्त महसूस कर रहे हैं। तो जल्दी से जाए अपने हाथ धोएं और पानी पिए और मैं आपसे मिलती हूँ अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज। थक गए ना, पसीना भी आ रहा होगा। आजकल गर्मी में थोड़ी भी वर्जिश कर लो तो बुरा हाल हो जाता है। आजकल का मौसम तो ऐसे है जैसे हमसे नाराज हो, पता नहीं क्या चाहता है। सोचो कितना मज़ा आता बच्चों अगर मौसम हमेशा खुशगवार रहता, ठंडी हवा चलती। मौसम वैसे हमेशा अच्छा क्यों नहीं रहता? पता नहीं मौसम बदलता कैसे है। अगर मुझे पता हो तो मैं खुद ही जाकर मौसम बदल दूं। वैसे मौसम की इतनी बातें करके मुझे याद आया कि कहानी आंटी सानिया ने भी आज हमें मौसम के बारे में एक कहानी सुनानी है। तो चलिए देखते हैं कि उस कहानी में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हो गया हो गया, परेशान मत हो, हो गया कहानी का वक्त, हो गया। आ जाओ भाई आ जाओ, कहानी सुनो सब, कहानी आंटी से कहानी सुनो। और आज की कहानी है मौसम का मुकाबला। मुसन्निफा हैं वर्षा काजी और मुसव्विर हैं हमारे फहद अहमद।
तो जनाब, आज की कहानी है मौसम का मुकाबला नहीं, हमसे नहीं हो रहा, आपस में कर रहे हैं कुछ। हुआ कुछ यूं कि आज आसमान पर बड़ी उदासी छाई हुई थी। मालूम होता था कि जैसे ज़मीन से आने वाली नाखुशगवार मौसम की शिकायत ने सूरज, बादल और हवा को अफसुरदा और परेशान कर दिया था। आह भरते हुए हवा ने सूरज से कहा, अगर तुम इतने गर्म ना होते, इतना ना चमकते, तो लोग पसीने में ना डूबते और सब कुछ ठीक होता। सूरज इतरा कर बोला, मेरी शुआएं तो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। धूप में लोग समंदर किनारे घूमने जाते हैं और तो और कपड़े भी जल्दी से सूख जाते हैं। सारा मौसम बादल ने खराब कर रखा है, काली घटा बनकर छा जाता है और बारिश करके सब कुछ गीला कर देता है। बादल ने झिड़क कर कहा, क्या तुमने देखा नहीं बारिश में बच्चे किस तरह खेलते हैं? लोग मेरा मजा लेने के लिए पकौड़े और मजे मजे के खाने खाते हैं। फिर तेज हवा का झोंका अपने साथ बादल ले जाता है और सारा मजा किरकिरा कर देता है। हवा ने झट कहा, तुम क्या जानो मेरी अहमियत, मेरे ही बल पर फूल खिलते हैं, बागात महकते हैं और परिंदे उड़ते हैं। तीनों यूं ही आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते ये तय हुआ कि आज मुकाबला हो ही जाए कि कौन ज्यादा अच्छा है। पहली बारी सूरज की आई। सूरज अपने उरूज पर आया और आग का गोला बनकर जोर से चमका। अरे ये क्या, नीचे देखा तो लोग पसीने में डूब रहे थे। कोई ठंडे पानी की तलाश में था, कोई कुल्फी के लिए तरस रहा था। हवा ने हंसते हुए कहा, हटो अब मेरी बारी है। शाएं शाएं करके ऐसी तेज हवा चली कि कहीं पर धूल उड़ने लगी और किसी की टोपी दूर जा गिरी। ये देखकर बादल बोला, तुम दोनों से नहीं होगा, अब देखो मेरा कमाल। झट से काली घटा छाई, बिजली कड़की और टिप टिप बारिश बरसने लगी। लोग दौड़े, फिसले और घरों के अंदर भाग गए। ये मंजर देखकर सूरज, बादल और हवा तीनों उदास होकर खामोशी से बैठ गए। इतने में उन्हें जमीन से धीमी सी आवाज आई, कितना दिलकश समा होता अगर हल्की सी धूप होती, सफेद बादल छाए होते और धीरे से हवा चलती। ये सुनकर सूरज, बादल और हवा को ख्याल आया कि वो तीनों मिलकर मौसम को खुशगवार बना सकते हैं। ये सोचकर तीनों ने फौरन दोस्ती कर ली। मेरा भी यही ख्याल है, लड़ाई झगड़े से मौसम हमेशा खराब ही होता है। कितनी अच्छी कहानी थी, मैंने तो मौसम में मजा करते हुए ये पहले कभी सोचा ही नहीं था कि अच्छे और खुशगवार मौसम के लिए हवा, बादल और सूरज सब कितने अहम होते हैं। सब मिलकर ही हमें बहुत अच्छा मौसम दे सकते हैं, वरना मौसम अच्छा नहीं होगा। वैसे आपने देखा कि ये सब आपस में लड़ कितना रहे थे। आजकल घर बैठे बैठे
सबको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है और लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं। हम बेचैन भी महसूस करते हैं। मुझे किसी ने एक बहुत मज़े की चीज़ बताई है, मैं आप लोगों को भी बताऊं। आप भी वो घर बैठ के कर सकते हैं और आपका गुस्सा और बेचैनी कम हो सकती है। ये इतना आसान है कि आप हैरान हो जाएंगे। आपने सिर्फ सांस लेना है। हाँ जी, सिर्फ सांस करना ये है कि नाक से सांस अंदर खींचना है, 3 तक गिनना है और मुंह से सांस बाहर निकालना है। बस इतनी सी बात है। चलिए अब मेरे साथ मिलकर करें। एक बार और। आप जब भी ये करेंगे, आप ये महसूस करेंगे कि अब आपका गुस्सा और बेचैनी कम हो गया है ना आसान? बच्चों, आपको भी कभी बेचैनी महसूस हो रही हो या किसी पर गुस्सा आ रहा हो तो आप भी घर में आराम से बैठकर ये सांस लेने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि अगर आप आराम से बैठकर ये करेंगे और फिर थोड़ा पानी भी पी लेंगे तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। ये बातें तो होती रहेंगी, अब हम चल के इंग्लिश पढ़ लेते हैं। Possessive pronouns. Possessive pronouns. वो अल्फाज जो किसी चीज पर किसी की मलकियत बयान करें, उन्हें possessive pronouns कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये हैं possessive pronouns, my, our, his, her, their। नहीं पता? अच्छा अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। भाई इतवार का दिन था और मेरी अम्मा का फोन आया कि बेटा गांव आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या? ओ हाय, अच्छा मियाँ साहेब ज़ादा गुलफाम शेख साहेब, मैं जरा गांव जा रहा हूँ, अम्मा बुला रही हैं। आप बराए मेहरबानी मस्जिद का ख्याल रखना। हाँ हाँ, अम्मा बुला रही हैं तो जरूर जाएं भाई, मस्जिद की फिक्र आप छोड़ दें, आपने अपनी सब चीजें ले ली है ना? आए बच्चों, हम मिलके बोलते हैं। This is my suitcase. This is my suitcase. My. This is his ride. This is his ride. His. That is her balloon. That is her balloon. Her. That is our bus. That is our bus. Our. That is their sheep. That is their sheep. Their. एक हफ्ते बाद। लगता है लोगों की खोई हुई चीजों का ऐलान नहीं हुआ।
हजरत, एक जरूरी ऐलान है, मस्जिद में ये चीजें पड़ी हुई हैं, जिसकी है आके ले जाएं, शुक्रिया। This is my bag. जोजो मियां, आपका बैग यहाँ क्या कर रहा है? मौलवी साहब, हुआ कुछ यूं के This is my bag. These are his shoes. Those are her toys. Mama, look! That's our cat. एक से ज्यादा के लिए आर इस्तेमाल होता है, आर यानी हमारा। अरे अब ये भैंस किसकी है? ये तो हमारे हमसायों की भैंस है। This is their buffalo. अच्छा, तो अब समझे कि possessive pronouns क्या होते हैं? चलें एक बात दोबारा पढ़ते हैं। My suitcase. His shoes. Her toys. Our cat. Dear buffalo. अभी प्ले स्टोर से तालीम अबाद डाउनलोड करें। His, her, my, your. समझ आ गई मुझे। I am your teacher and you are my student. My favorite fruit is apple. My favorite animal is... मुझे तो बहुत सारे animals पसंद हैं। आपको कौन सा animal पसंद है? आप ऐसा करें कि इस किसके WhatsApp के homework में हमें अपना favorite animal draw करके भेजें। तो फिर जल्दी से पेपर पेंसिल लेकर आइए और ड्रॉ करना शुरू कीजिए। हमें बताइए कि व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301-119-2319। दोहरा रही हूँ, 0301-119-2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम एसएमएस करने का जो नंबर है वो है 0300-060-2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम एसएमएस करने का नंबर दोहरा रही हूँ 0300-060-2240। नाम एसएमएस करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र। एनिमल्स से याद आया कि कल जब मेरी अम्मी ने मुझे आधा किलो आलू लेने भेजा तो मैंने कुछ देखा जिससे मैं बहुत दुखी हुई। वो भी एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में है। ये कहानी वैसे मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन आपको पता है कि आधा किलो कितना होता है? मुझे नहीं पता था, ना मुझे तोलना आता था। दुकानदार ने मुझे कहा कि खुद तोल कर डाल लो और मुझे समझ में ही नहीं आया। मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा और फिर किसी ने मेरी मदद की तो मुझे आधा किलो आलू मिले और मैं घर लेकर गई। वैसे अगर आपको तोलना नहीं आता या वज़न करना नहीं आता तो आज जो हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं वो आपके बहुत काम आएगा। चलिए
नहीं नहीं आपकी फुप्पू आ रही हैं, उनको फिर वापस भूखा नहीं भेजना। प्लीज जाके बाजार से सामान ले आए। शीबा ने गौर से सामान की लिस्ट को देखा और अपनी लाल स्कूटर निकाल के बाजार को रवाना हो गया। बाजार पहुंचते ही शीबा ने टेलर मास्टर का दिया हुआ स्केल निकाला और जो जो सामान की लिस्ट पर लिखा हुआ था उसे उस स्केल से नापना शुरू कर दिया। बड़ी तसल्ली से वो नापा हुआ सामान दुकानदार के पास लेके गया। इसका हिसाब कर दे, 10 सेंटीमीटर चीनी, 5 सेंटीमीटर गाजर, 2 सेंटीमीटर आलू और 3 सेंटीमीटर कद्दू। अरे शीबा, इन चीजों को हम वेइंग स्केल से नापते हैं। किसी चीज की अगर लंबाई नापनी हो तो हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज का वजन या मास नापना हो तो हम तराजू या वेइंग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। क्या? वेइंग स्केल, वेइंग स्केल, जिसकी एक तरफ किताब पड़ी हुई है और दूसरी तरफ कुछ नहीं, क्योंकि किताब वाली तरफ वजन या मास ज्यादा है तो वेइंग स्केल उस तरफ झुक जाएगा। और अगर हम दूसरी तरफ अब दो किताबें रखें तो वेइंग स्केल उस तरफ झुक जाएगा, क्योंकि उस तरफ वजन या मास ज्यादा है। और अगर हम दोनों तरफ एक एक किताब रखें तो क्या होगा? ये क्यों? वेइंग स्केल बराबर रहेगा और किसी तरफ नहीं झुकेगा, क्योंकि अब दोनों तरफ वजन या मास बराबर है। मास के स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम और किलोग्राम हैं। इनको हम जी और के जी भी लिखते हैं। इसका मास 1 ग्राम है और इसका मास 1 किलोग्राम है। अगर वेइंग स्केल की एक तरफ हम 1 किलोग्राम रखें और दूसरी तरफ हम 1 ग्राम रखें तो वेइंग स्केल 1 किलोग्राम की तरफ झुकेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम का मास ज्यादा है। अब समझ आई शीबा? चलो ये लो वेइंग स्केल, अब इसे नापो। शीबा अपना सामान नापना शुरू करता है। सबसे पहले वो गाजर का मास नापता है। एक तरफ गाजरें रखता है और दूसरी तरफ 1 किलोग्राम वाला वजन रखता है। वेइंग स्केल बराबर हो जाता है। इसका मतलब है गाजरों का मास 1 किलोग्राम है। इसके बाद शीबा आलू नापना शुरू करता है। एक तरफ आलू रखता है और दूसरी तरफ 1 किलोग्राम, लेकिन वेइंग स्केल अभी भी आलू की तरफ झुका हुआ है तो वो 1 किलोग्राम और रखता है। अब हो गए 2 किलोग्राम और वेइंग स्केल बराबर हो गया। इसका मतलब आलू का मास 2 किलोग्राम है। इसी तरह वो चीनी का मास नापता है। एक तरफ चीनी और एक तरफ 4 ग्राम्स रखे शीबा ने। वेइंग स्केल बराबर हो गया, यानी चीनी 4 ग्राम्स के बराबर है। और आखिर में कद्दू का वजन नापता है, ये 3 किलोग्राम्स के बराबर है। अब सही से सारा हिसाब करके शीबा दुकानदार के पास वापस गया। शीबा हो गया सारा हिसाब, समझ आई मैस क्या है? बहुत अच्छे, चलो अब इसके पैसे निकालो। जब पैसे निकालने की बारी आई तो शीबा को पता चला वो तो सारे पैसे घर ही भूल आया। अभी प्ले स्टोर से ताली मेहबान डाउनलोड करें। अच्छा हुआ कि हमने ये सीख लिया, वरना हम भी बाजार जाकर सब्जियों को वजन करने के बजाय उनकी लंबाई नाप रहे होते और लोग हमारा मजाक उड़ाते। कल वैसे मैं ये सीख के बाजार जाती तो शायद मुझे कम वक्त लगता और मैं घर भी जल्दी वापस आ जाती। बाजार से याद आया,
मैंने आपको एक कहानी सुनाना शुरू की थी ना, मैं आपको बता रही थी कि कल बाजार जाते हुए मैंने कुछ दुखी देखा था, मैंने वो लिखा भी है। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि मैंने कल क्या देखा और फिर मैं उस कहानी में से आपसे कुछ सवालात भी करूंगी, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। रास्ते में कुछ डॉग्स यानी कुत्ते सड़क पर खेल रहे थे। दो बच्चे अचानक से आकर बिला वजह उन कुत्तों को मारना शुरू हो गए। मेरा दिल बहुत दुखा। इंसान कुछ बुरा करें तो हम कहते हैं कि ये तो जानवर बन रहा है, लेकिन यहाँ तो इंसान जानवरों के साथ बुरा सलूक कर रहे थे। मैंने उन्हें जाकर समझाया तो वो बच्चे समझ गए और वो डॉगीज खुश होकर फिर से खेलना शुरू हो गए। मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे शुक्रिया कह रही हों। बच्चों, मैंने जो ये वाक्या आपको सुनाया है, इसमें से कुछ सवाल पूछूं तो आप जवाब ढूंढ सकते हैं? इसको तफहीम कहते हैं। चले हम एक दो सवाल करके देखते हैं। पहला सवाल, मैं क्या देखकर उदास हुई थी? सोचें, मैंने क्या देखा था तो मैं उदास हुई थी? मैंने देखा था कि कुछ बच्चे कुछ कुत्तों को मार रहे थे और तंग कर रहे थे, और ये देखकर मैं उदास हुई। दूसरा सवाल, मैंने मसले का हल कैसे निकाला? ढूंढिए, मैंने मसले का हल कैसे निकाला? जी, मैंने जाकर उनको समझाया तो वो बच्चे समझ गए और ऐसे मसले का हल निकल आया। शाबाश। चलिए अब हमने आज जो कुछ सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। आज हमने वर्जिश की, सीखा कि हम हर काम अकेले नहीं कर सकते और कभी सबसे अच्छे नतीजे के लिए हमें बादल और सूरज की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। सांस अंदर और बाहर लेने की मदद से अपने नाखुशगवार जज्बात पर काबू पाने की सरगर्मी सीखी। फिर हमने मास यानी वजन तोलना सीखा। उसके बाद हमने तफहीम की मश्क की, जिस मश्क में हमने ये भी सीखा कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। आज के होमवर्क में आपने हफ्ते में दो दफ़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज की मश्क करनी है। हो सके तो ये मश्क अपने घर के तमाम अफराद के साथ मिलकर कीजिएगा। दूसरा होमवर्क ये है कि दिए गए वज़न जो कि किसी तरतीब में नहीं लिखे, इनको हल्के से भारी की तरतीब में लिखिए। स्क्रीन पर ये सब देख लीजिए। 1 kg, 100 g, 0.5 kg, 1 g, 5 kg और 800 g। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301-119-2319। दोहरा रही हूँ, 0301-119-2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300-060-2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ, 0300-060-2240। नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म,
बच्चे का नाम, शहर और उम्र। अब मैं इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले इतवार। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।